हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और यहाँ पे हम कर रहे हैं रिवीजन। ठीक है, इस चीज का बच्चों प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनको यहाँ पे कवर हम करने जा रहे हैं। चलिए सीधा क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ मैं आपको। और यहाँ पे आपके सामने ये सवाल है जो मैंने आपको होमवर्क के लिए भी दिया था, याद होगा बच्चों आपको। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या करना है आपको, ये डिस्कस कर चुके हैं, सारी चीजें डिस्कस कर ली हमने, प्लस मैंने बता भी दिया था कि आपकी एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं बच्चों आपने इसको जरूर कंप्लीट किया होगा। अगर किया है तो फटाफट इसका आंसर मुझे बता दीजिए, क्या आंसर आपका आया है। जिस भी बच्चे का आंसर आया है हैंड रेज करेंगे आप। कौन बताएगा? जीआईसी कोटियाल गांव, टीएचएस धौलपुर, आई थिंक आपने किया नहीं है ना होमवर्क बच्चों। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप होमवर्क करना भूल गए अपना। चलिए जी एचएस धौलपुर से बात करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर 18,000 आंसर आए। 18,000। और सर पहले व्यक्ति की मासिक आय 18,000 और दूसरे व्यक्ति की मासिक आय 14,000। 14,000 रुपए है ना? यस सर, रुपए। ठीक है, वेरी गुड बेटा। चलिए बाकी बच्चे क्या इस आंसर से सहमत हैं? अगर आप इस आंसर से सहमत हैं तो हाथ खड़ा करेंगे। बाकी बच्चे ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। मतलब सभी का सेम आंसर आया है। ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए। जीआईसी कोटियाल गांव, बोलिए बेटा बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर हमने परसों क्लास अटेंड की थी। अच्छा, लाइट चले गई थी। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अभी आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, अभी बैठ के सॉल्व कर लीजिए आप, और जैसे आपका सॉल्व हो जाए हैंड रेज कर देना। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करो। तो ठीक है बच्चों, आई थिंक अब आपने जरूर कर लिया होगा इस क्वेश्चन को, है ना? कर लिया सबने? चलिए ठीक है, तब तक हम इसको थोड़ा सा धीरे धीरे करते हैं सॉल्व। देखिए, सबसे पहले आप ये देख जानने की कोशिश करेंगे कि दो व्यक्तियों की जो आय है, उनका इनकम है, उसका अनुपात हमें दिया, लेकिन एक्चुअल इनकम नहीं पता, है ना? एक्चुअल इनकम कैसे निकलती है समझना। देखिए, इस चीज को, रेशियो को अगर थोड़ा हाँ डिटेल में आप जानेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, ये क्वेश्चन समझना भी बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि हमें कोई चीज रटनी नहीं है ना, रटा नहीं मारना भाई। इस तरह का कोई दूसरा क्वेश्चन भी आ जाए तो हम इजीली कर पाएंगे, ये है हमारा मोटिव। तो 9:7 दिया है, ठीक है, 9:7 दिया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9/7 भी लिख सकते हैं, है ना? कोई भी रेशियो है ये। अब देखिए, अगर आपने सुना होगा कि इक्विवेलेंट रेशियो या फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं हम, इसको अगर मैं 5/5 से गुना कर दूं तो क्या आ जाएगा, 9 × 5 = 45, 5 × 7 = 35। ठीक है, तो 7/9 और 45/35 क्या होंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएंगे, है ना? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि हम अगर 9 को x से और 7 को x से मल्टीप्लाई कर दें तो ऐसा ही कुछ होगा। x हमें नहीं पता क्या है, लेकिन
जो इसका आय का अनुपात है ना, इनकम का रेशियो है, इसको मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई हमारे पास सिर्फ क्या आएगा भाई, कोई नंबर आएगा। तो हो सकता है वो एक्चुअल इसकी क्या हो, वो एक्चुअल इसकी इनकम हो। एक चीज और समझे, इसका थोड़ा उल्टा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, एक की जो इनकम है 10,000, ठीक है, दूसरे की इनकम है 7,000। ये फर्स्ट पर्सन की इनकम है, ये सेकंड पर्सन की इनकम है। दोनों का अनुपात निकालना है, रेशियो निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, देखिए इससे ये कैंसल आउट कर दिया तो 10:7 क्या आ गई, इनके इनकम का रेशियो आ गया, है ना, इनकम का रेशियो आ गया। अब वहीं पे अगर मैं 10 को और 7 को 1,000-1,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इनकी एक्चुअल इनकम आ जाएगी। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ बच्चों ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली हम यहाँ पे करने क्या जा रहे हैं। सीधा रट्टा ना मारे आपकी भाई, अच्छा हमने जो इनकी आय है, इनकम है, उस पर गुणज एक्स मान लिया, फिर नो एक्स लिख दी इनकी आय और 7x लिख दिया और फिर सॉल्व कर दिया। आपको पता होना चाहिए ऐसा कर क्यों रहे हैं। अब किसी बच्चे को अगर नहीं समझ में आई है ये चीज तो पूछ लीजिए, ये आपके जो कॉन्सेप्ट है ना ये 5वीं 6वीं 7वीं क्लास से आया है, यहाँ से नहीं आया है, तो बहुत पहले ही आप ये चीज सीख चुके हैं। अब देखिए इनकी जो मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि एक पर्सन की जो इनकम है वो 10,000 है, दूसरे की 7,000 है, तो इनका जो अनुपात है 10:7 आ गया। लेकिन एक्चुअल इनकम अगर 10:7 से हमें निकालनी है तो हम 1,000-1,000 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्चुअल इनकम 10,000 और 7,000 आ जाती है। इसका मतलब यहाँ पे हमें नहीं पता ना, जो ये क्वेश्चन है इसमें हमें नहीं पता कि 1,000 से मल्टीप्लाई करना है, 500 से करना है या 10 से करना है, तो हम उसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कुल आय का गुणज, ठीक है, मल्टीपल एक्स हो जाता है, ठीक है, और जो कुल खर्च है उसका भी अनुपात दिया है ना, खर्चे का अनुपात दिया है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं और कुल खर्चों का गुणज, ये कितना हो जाएगा, इसको वाई मान। अब हम पहले व्यक्ति की इनकम निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, पहले व्यक्ति की आय यानी इनकम कितनी हो जाएगी, गुणज एक्स है और अनुपात में क्या है ये 9, तो 9x हो गए। 9 को अगर x से गुणा करेंगे तो पहले व्यक्ति की इनकम निकल जाएगी बच्चों। यहीं पे अगर दूसरे व्यक्ति की इनकम निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, दूसरे व्यक्ति की आय कितना है, 7 है, इसको x से गुणा कर देंगे तो दूसरे व्यक्ति की इनकम निकल जाएगी। यही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। फिर क्या करना है, पहले व्यक्ति का और दूसरे व्यक्ति का खर्च निकालेंगे आप। पहले व्यक्ति का खर्च, ठीक है, कितना आ गया ये 4y, ठीक है, क्योंकि खर्चों का गुणज तो y है और इसकी अनुपात 4:3 है इसीलिए। और दूसरे व्यक्ति का खर्च 3y आ जाएगा। ये चीज क्लियर है। अब यहां से बच्चों एक चीज समझना कि यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से बच्चों हम जो कंडीशन हमें दी गई है उसका यूज करके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, सवाल के अकॉर्डिंग। कितना समझ में आ गया बच्चों, तो हम सवाल के अकॉर्डिंग क्या करने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उस इंसान ने, पहले व्यक्ति ने खर्च किया है 9x, ठीक है, इतना पैसा उसकी इनकम है, इतना पैसा कमाया है उसने और उसमें से 4y के बराबर खर्च कर दिया तो बचत कितनी हो गई 2,000। ये तो होगा आपका पहला समीकरण, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरे व्यक्ति ने कमाया 7x है, खर्च किया है 3y, बचा कितना है 2,000, क्योंकि हर एक व्यक्ति 2,000 बचाता है, ये दूसरे व्यक्ति की इनकम है, ठीक है। अब हम यहाँ पे दो समीकरण है, अगर हमें पता लग जाए x का मान क्या है
ना, हमें सिर्फ क्या निकालना है, देखिए ध्यान से, हमें निकालना है मासिक आय, ठीक है। तो अगर हमें एक्स की वैल्यू पता लग जाए, क्योंकि आय का गुणज तो यही है, तो हम आय निकाल सकते हैं, और अगर वाई भी पता लग जाएगा तो हम क्या निकाल सकते हैं, खर्च भी निकाल सकते हैं। लेकिन अभी हमें उनको उनकी मासिक आय चाहिए, तो हमें एक्स का मान चाहिए। तो क्या करेंगे हम देखिए, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो है उनको क्या करेंगे, इसमें से हम वाई को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम वाई को एलिमिनेट कर देंगे, विलोपन विधि, ठीक है। विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा समीकरण एक को तीन से और समीकरण दो को चार से गुणा करने पर, देखिए इसको तो हम तीन से और इसको चार से गुणा करेंगे, तो क्या होगा कि हमारी जो y वाली टर्म है वो सेम आ जाएगी। बच्चों कैसे आएगी, देखिए पहले वाले की सब जो टर्म है तीन से गुणा कर दीजिए, 9 + 27, 27x - 4 = 12y इज इक्वल टू 6, 3 × 6, ये 6000। फिर इसको देखेंगे, 7 × 28, 28x - 4 = 12y बराबर है 4 × 8, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इनको हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। दोनों को घटाना है, मतलब साइन चेंज हो जाएंगे सबके, तो ये क्या आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। देखिए साइन बदल जाएंगे, तो +12y से -12y गया, 28y - 28x + 27x मतलब -x बच गया, और ये -2000 बच गया, ना बच गया -2000। आगे इसको सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू चाहिए, देखिए माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल आउट हो सकता है, x = 2000, ठीक है। हमें तो मासिक आय निकालनी है ना, पहले व्यक्ति की मासिक आय कितनी हो जाएगी, 9 × 2000, कितना आ गया, ये आ गया 18000 रुपये। दूसरे व्यक्ति की मासिक आय, दूसरे व्यक्ति की मासिक आय कितनी हो जाएगी, 7 × 2000, 7x था ना, x की वैल्यू 2000 आई है, तो ये 14000 रुपये आ जाएगी, है ना। ये आपके आंसर्स हो गए, फटाफट इसको देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, और किसी भी बच्चे को डाउट लगता है, कोई चीज नहीं समझ में आई हो आपके, आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, मतलब किसी को डाउट नहीं है, सब क्लियर है, अगला सवाल करेंगे, ठीक है। ये नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का 2 गुना है, संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है 2011 में, और एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी है आपका, ये 5 अंक के लिए आया, इसको फटाफट नोट डाउन करेंगे आप और सॉल्व करके आंसर बताएंगे। बेटा आ गया आपका आंसर, कौन बताएगा, शाबाश, चलिए जीएचएस धौलपुर से बात करते हैं। हाँ अब बोलिए बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। सर इसका विशिष्ट क्या है, 18।
अभीष्ट संख्या 18 है, ये बोल रहे हैं आप सर। क्या नाम बेटा आपका? देवाशीष मंडल। देवाशीष, वेरी गुड बेटा, बैठ जाइए आप। थैंक यू सर। जीएचएस धौलपुर से देवाशीष ने हमें आंसर बताया है 18। अगर सब बच्चों का सेम आंसर आया है हाथ खड़ा करेंगे, अगर सब बच्चों का यही आंसर आया है तो आप हाथ खड़ा कीजिए, जिसका नहीं आया वो मत करना हाथ खड़ा। सर समझ नहीं आया क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन समझ नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन में अभी एक्सप्लेन करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, जितना आपको आ रहा है उतना ट्राई कीजिए, बाकी मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन, ठीक है, बैठ जाइए। देखिए बहुत बच्चों को इस क्वेश्चन में मतलब डाउट भी है, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल आसान है, समझने की बात। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये समझना है कि ये संख्या कितने अंकों की है, दो अंकों की संख्या है, है ना। अब दो अंकों की संख्या कौन सी होती है बच्चों? भाई नौ, जीरो से लेके नौ तक क्या होती है? एक अंक की संख्या होती है। उसके बाद दस जो आ जाता है वो दो अंकों की संख्या होती है, है ना। दस कितनी है? दो अंकों की संख्या। इसी तरह ग्यारह भी दो अंकों की संख्या है, ये पता है ना, ये वंस वाला प्लेस, ये टेंस, है ना, दो अंकों की संख्या में ऐसा ही कुछ होता है। तो कहाँ तक है ये दो अंकों की संख्या, कितनी है? 99 तक। उसके बाद तो 103 अंकों की संख्या हो गई, तो ये नहीं, इसके बीच में कोई संख्या होगी, ये तो हमें पता है, उसके बारे में जिक्र हो रहा है। अब कौन सी है उसका पता लगाना है। तो ये आपको पता लग गया बच्चों कि दो अंकों की एक संख्या है, ठीक है। दो अंकों की संख्या में क्या होता है बच्चों? एक होता है आपका इकाई, इकाई का स्थान, है ना, इकाई का स्थान, एक दहाई का स्थान, इकाई का स्थान और दहाई का स्थान। अगर मैं जैसे मान लीजिए जो इकाई का स्थान है और दहाई का स्थान है उसके जो अंक हैं उनको क्या ले लेते हैं? x और y ले लेते हैं, किसी को भी ले लो आप x, किसी को भी y ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, है ना। तो हमारी जो संख्या होगी किस तरह से बनेगी वो समझना बच्चों। जो दहाई वाला अंक है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसमें इकाई वाला अंक जोड़ दीजिए, ये हमारी संख्या आएगी। कैसे आई समझ, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये संख्या 23 है, इसमें इकाई का अंक है 3 और दहाई का है 2। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दहाई का अंक कितना है हमारा? 2 है और इकाई का 3 है। तो हम संख्या बनाने के लिए 2 को 10 से गुना करके उसमें 3 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगी, है ना। तो इस तरह से मैंने भाई जो x है क्या है, x दहाई का अंक है, उसको 10 से गुना करके y जोड़ दिया, ये पूरी संख्या हमें प्राप्त हो गई, ठीक है। तो जो कंडीशंस आपको दी गई हैं सवाल में उनको यूज करते हुए हल करना है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन समझ में आया? अगर अभी भी कोई डाउट है क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं। देखिए अब सबसे पहले हमें क्या करना है, माना माना दहाई का अंक कितना है, हमने इसको x मान लिया, ठीक है, और इकाई का अंक, इकाई का जो अंक है उसको हमने y मान लिया, दहाई का x को अंक को x मान लिया और इकाई के अंक को y मान लिया। अब एक चीज समझेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या बोला है कि एक संख्या के अंकों का योगफल कितना है, अगर इसके अंकों को ऐड करेंगे हम, जोड़ दीजिए x और y दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आ जाना चाहिए, ये आपका पहला समीकरण। जो क्वेश्चन में दिया है वही लिख रहे हैं, दोनों अंकों का योग कितना है? 9 है। उसके बाद जो थोड़ा सा चैलेंज आता है वो दूसरे स्टेटमेंट में आता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए इस संख्या का 9 गुना, पहले संख्या लिखने की कोशिश करते हैं, संख्या क्या हो गई है, संख्या हो गई है बच्चों जो हमारा दहाई का अंक है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10x आ गया, प्लस उसमें इकाई का अंक जोड़ देंगे y, ठीक है, ये हमारी संख्या है, ठीक है।
ठीक है, ये क्या है, ये संख्या है, इस संख्या का नौ गुना करिए, नौ से गुना कर लेंगे तो इस संख्या का जो नौ गुना होगा वो किसके बराबर होगा, क्या बोला है, संख्या को अंकों को पलटने। तो संख्या के अगर अंकों को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, जो हमारा इकाई का अंक है वो बन जाएगा दहाई का अंक, मतलब 10y, और जो दहाई का अंक है वो इकाई का अंक बन जाएगा। पलटने से ऐसे होगा, मान लीजिए अगर 23 है, इसके अंकों को पलट देंगे तो जो ये इकाई वाला है ये दहाई पे आ जाएगा, दहाई वाला इकाई पे आ जाएगा, तो 32 बन जाएगा, है ना। इस तरह से होता है अगर अंकों को पलटते हैं तो। मैंने यहाँ पे अंकों को पलट दिया है, कितना होगा इसका, दो गुना है, तो इसको हल करेंगे ये समीकरण दो आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये दो, 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x, 20y प्लस 2x। उसके बाद इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, तो ये 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इज इक्वल टू 0, ये आ गया। आगे इसको कर देते हैं, 90 माइनस 2 88x माइनस ये कितना आ गया, 20 माइनस 2 कितना आ गया, 11y इज इक्वल टू 0। पूरी जो इक्वेशन है, समीकरण है, उसको 11 से भाग कर दीजिए या 11 कॉमन निकाल लीजिए, तो 8x माइनस y इज इक्वल टू 0, ये समीकरण दो हो जाएगा। दोनों समीकरण आ गए हमारे पास, अब क्या करना है, अब इनको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए, समीकरण एक और समीकरण दो, हम फिर से विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे। विलोपन विधि द्वारा आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, मुझे विलोपन विधि कंफर्टेबल लगी तो हम इसको x प्लस y इज इक्वल टू 9 है, इज इक्वल टू 9 पहला समीकरण हो गया, 8x माइनस y इज इक्वल टू 0 ये दूसरा समीकरण हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों का योग कर देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, चाहे समीकरण एक और दो का योग करने पर, ठीक है, दोनों का योग कर दीजिए, कितना आ जाएगा, देखिए योग में साइन चेंज नहीं होंगे, माइनस वाई से प्लस वाई कट गया, और ये 8 और एक 9, 9x इज इक्वल टू 9 प्लस 0 9 आ गया, तो x किसके बराबर आ गया, 1, x हमारे पास क्या है, 1 है। अब y की बात करते हैं, y कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए x की वैल्यू है, तो हम समीकरण एक में x बराबर है एक रखने पर रखते हैं, x की जगह एक रख दिया, प्लस y इज इक्वल टू 9 है, तो y कितना आ गया, 9 माइनस 1 y इज इक्वल टू 8 आ गया, है ना। तो हमें क्या चाहिए, अभीष्ट संख्या, अतः अभीष्ट संख्या क्या आ जाएगी, यहाँ पे सबसे जरूरी चीज वो है कि भाई जो हमारी अभीष्ट संख्या है वो कैसे आएगी, जो हमारे पास दहाई का अंक है x, उसको तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इकाई का अंक जो है उसको ऐड कर दिया, ठीक है, तो 10x प्लस y है ना, यही होगी 10x प्लस y होगी, 10x प्लस y ये हो जाएगी। अब देखिए 10x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 1 है, प्लस y कितना है, 8 है, कितना आ जाएगा भाई, 10 प्लस 8 दैट इज 18, तो बिल्कुल सही आंसर था आपका 18, है ना, बहुत अच्छी बात है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए इसको, और GIC कोटियालगांव बेटा आपको समझ में आया ये क्वेश्चन, ठीक है, वेरी गुड। किसी भी बच्चे का कोई डाउट अगर हो पूछ सकते हैं, आप माइक लेके अपना डाउट पूछ सकते हैं, इस सवाल से रिलेटेड किसी का डाउट है तो, अगर नहीं है तो नोट डाउन करिए इसको।
ठीक है बच्चों, तो मतलब किसी का कोई डाउट नहीं रह गया है इस सवाल से रिलेटेड, किसी को कुछ नहीं पूछना। चलिए ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे आज के सेशन में। देखिए हमने 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन जो है उनको समय भी ज्यादा लगता है सॉल्व करने में और एक्सप्लेन करने में तो और ज्यादा लगता है, इसीलिए जितने हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं उनको अच्छे से आप रिवाइज करें और उस टाइप के और भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करें आप। ठीक है, तो बाकी धीरे धीरे करके ऐसे ही इसके कुछ और क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर के, आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें। इसी के साथ आज का सेशन स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।